नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छतरपुर में पुलिस पर हुए पथराव कांड के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आज पांच दलों के नेताओं ने आरोपी हाजी शहजाद के परिजनों से मुलाकात की। इस दल में कांग्रेस से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, सीपीएम की राज्य सचिव जसविंदर सिंह, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, इंटक से आरजी पांडे, सीपीआई से शैलेंद्र कुमार शैली, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फुरकान खान काजी, पूर्व प्रत्याशी सपा दशरथ यादव शामिल थे। इस दल ने हाजी शहजाद अली के जमींदोज हुए मकान का मौका मुआयना किया और उनके परिवार की महिलाओं के साथ मुलाकात की, और उस जगह पर हाजी शहजाद के परिजनों से मुलाकात की जहां हाजी अपनी अदालत चलाता था। इस दौरान प्रशासन की इस कार्रवाई की हाजी के परिजनों ने गलत करार देते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता ने इस कार्रवाई को संविधान के विरुद्ध बताते हुए पूरे प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई गलत बताते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए। वहीं सपा नेता से कहा गया कि जो पुलिस पर पथराव हुए उससे गलत आप मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह गलत है। जब उनसे कहा गया कि जिले में पहले भी इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, तब तो आप लोग कभी नहीं आए। आज जब एक विशेष समुदाय पर कार्रवाई हुई तो आप सब आ गए, तो सपा नेता के पास जवाब नहीं था और वह सवाल का जवाब ना नुकुर करते हुए निकल गए। वहीं हाजी की बेटी ने कहा कि सर्वे पार्टी के पांच दलों के नेताओं ने उनके परिवार से मिलकर उन्हें हिम्मत दिलाई है। वहीं यह दल जेल में बंद पथराव कांड के आरोपियों से मिलने जेल भी गया। घर भी पहुंचेंगे और साथ में आपको बता दिए भाई स्थान है जहां पर जमीन दोष टाइम के पेज पर आप लाइव जुड़े हुए हैं। अभी पुलिस पर जो पथराव 21 अगस्त को हुआ था उस और कांग्रेस से हैं और साथ में छतरपुर के स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। और हम राजा पटेरिया हैं, तुम्हारे घर के सब जाना थे, हमें मांग वगैरह सब जाना, सबको कुछ छीना था तुम्हारे घर को, हम हटा के रविवार है तो हमारी रिश्तेदार चाचा जी ना ऐसा कहना है भाई, मोबाइल लगने पानी का डर है, पानी में डालने का रहा है। कितने दल हैं इसमें भाई? पांच दलों की टीम आई, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी, एमआईएम। सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, और मैंने ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक से संज्ञान लेकर के इस प्रकार कार्रवाई करे। आज देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश में मिलीजुली संस्कृति का 1000 साल का इतिहास है। अयोध्या का पंडित 1857 में और बाबरी मस्जिद का मौलाना, दोनों मिलकर के साथ लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और फांसी के फंदे को उनने चूमा है, लोगों को मालूम नहीं है। और इस बुंदेलखंड की धरती में महाराज छत्रसाल का प्रणामी धर्म इसका प्रतीक है। शिवाजी का अंगरक्षक कौन था? मुसलमान। हाकिम सूर कौन था जो महाराणा तरफ से लड़ने जाता था? गुलाम गौश का कौन था जो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ने जाता था? और लक्ष्मीबाई की लाश को जलवाने के लिए अली बहादुर, बाजीराव का और मस्तानी का लड़का, महोबा का नवाब, वो कौन था? मुसलमान। ये मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, इंसान है यहाँ, ये बनाया जा रहा है। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है क्या उनके साथ भी सहानुभूति है आप लोगों की? जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूँ कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार, और दूध का दूध पानी करे, और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूँ आपके माध्यम से, कि माननीय मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें ना करें कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम हो जय कृष्ण कहना होगा। अरे रस खान कौन था? रहीम कौन था? चित्रकूट में आ बसे रहीम अनबद नरेश, जा पे विपदा परत है आ भई इस देश, रहीम ने लिखा, जायसी ने लिखा, रस खान ने लिखा। कितने लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति की जो मुसलमान थे? इसको बना के रखें माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश ना हमारा है ना तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो, ये तीन राज्यों का जो चुनाव होना है
उसके लिए एक खेल हो रहा है, उसमें गरीब और निरीहों को मत मारो। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आप इस आवाज़ को सही माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ। माननीय सांसद जी हमारे जो कहना चाहेंगे, उस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और हम लोग सभी दल के जो लोग इधर मिल के आए हैं भाई, पत्थरबाजी जो हुई है, जो आप लोग कह रहे हैं पत्थर चलाना, पत्थरबाजी जो हुई है, हम लोग सभी पार्टी, कोई भी इंसान होगा वो कहेगा गलत है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने उनमें बचाया, जैसे हाजी जी ने अपने वीडियो में बोला था कि हम वहाँ पे गए, एडिशनल एसपी या कलेक्टर किसने बुलाया, हमने उनको पार्टी के लोगों को समझाया और अपने जो आदमी, अब वो नहीं माने किसी, इतनी भीड़ में कोई किसी की बात नहीं मानता, उसके बावजूद उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर केस होता है वो हम मानते हैं, उसके बाद घर तोड़ना ये कहाँ जायज़ है? किसी का भी घर गिराना, अगर किसी का बच्चा एक नालायक निकल जाए तो पूरे घर को सजा नहीं होती? तो अगर वो सजा होने थी वो हाजी साहब को होने थी या और किसी को होने थी, उनके घर के ऊपर ये बुलडोजर नहीं चलना था, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी इन और कांग्रेस और जो भी पार्टियाँ सीपीआई और क्रांतिकारी पार्टी, जितने भी सभी पार्टियों, देश की जितनी भी पार्टी हैं, वो यही चाहती हैं कि भारत देश में कहीं भी जो बुलडोजर की प्रथा है, एक मुस्लिम और उससे नहीं है, किसी भी समाज पे या गरीब पे बुलडोजर चलता है, ये बिना न्यायालय की अनुमति के या बिना न्यायालय के नहीं चलना चाहिए, और एकदम से 24 घंटे के अंदर ये होना, ये भी न्याय के हित में नहीं आता है। आपने ये भी देखा कि इससे पहले भी कई बार बुलडोजर चलाया गया, मुस्लिमों के, हिंदुओं के मकान तोड़े गए, लेकिन आज तक आपकी सरकार क्यों नहीं जाती? आप ही क्यों आप जाते हैं कि बुलडोजर चल गया है? इससे पहले भी जहाँ चले हैं तो वहाँ पे सरकार ने कभी याचिका लगाई है? छतरपुर में कई बार बुलडोजर चला है, जिससे के मकान टूटे हैं, हर धर्म के लोगों को टूटे हैं, तब क्यों नहीं आए आप? बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ, हम बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। आप ये एक समाज के साथ मौजूद हैं? नहीं, एक समाज नहीं, हम सब समाज के साथ हैं। समाजवादी पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक सबके साथ है। समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की नहीं है, समाजवादी सब। क्या कहा गया आप लोगों से, किस तरीके का आश्वासन दिया गया? हमारी मदद करने का और न्यायालय से और न्यायालय से सबसे मदद करने का हम लोगों का बातचीत हुई है। जो पीएम आए थे उन लोगों ने क्या कहा है आप लोगों? उन लोगों ने हम लोगों को सब वो हौसला दिया कि आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग भी यही चाहते हैं सरकार से और कानून से कि वो हम लोगों के साथ न्याय करे और जिसने जो गलती करी है आप उनको सजा दें, हम उनके हर चीज़ में साथ खड़े हैं, हर फैसले पे उनके साथ। थाने में जो पथराव हुआ है उसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा, किसके कहने से ज्ञापन देने गए थे सभी लोग? सदर जावेद अली। आपके पिता कौन है? हाजी शहजाद अली। उनकी जो बिल्डिंग गिरी है उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है इसको लेकर सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये चीज़ गलत है, जिसने मतलब जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या आपके पिता जो आपके पिता जी हैं उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे? आप ये बता सकते हैं कि आपके पिता जी वहाँ गए थे ज्ञापन देने के लिए, बहुत सारा हुजूम लेके गए थे, तो फिर जब लेके गए थे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उन्हें संभालने के लिए? पिताजी नहीं लेके गए थे हुजूम, अकेले गए थे? नहीं, सदर जावेद अली लेके गए थे। अच्छा, जो आपके यहाँ की बिल्डिंग गिरी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगी याचिका, कुछ ऐसा करेंगी मुआवजा? वो बड़ों को पता है, अभी हम लोगों से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता कोई। क्या नाम है आपका? फातिमा खातून। छतरपुर से खबर समय जगत के लिए अरविंद गोस्वामी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।